कल्याण बहुत दूर की बात है, कल्याण शब्द ही दूर का है। जब आप इस शब्द को समझने लगोगे तब कदम चलने शुरू होंगे, लेकिन हम कदम बढ़ाते नहीं, हम तो कदम पीछे हटाते रहते हैं, वापस भागते रहते हैं, सेवा से भागते रहते हैं, परमात्मा से भागते रहते हैं। कुछ लोग तो इसलिए भागते रहते, मैं बोल देता हूँ परमात्मा को रटो कहाँ फंसे हुए हो। कुछ लोग इसलिए भागते रहते हैं, मैं सीधा बोल देता हूँ सांसारिक वस्तु में मत फंसो, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, ये तब तक अच्छी चीज़ें हैं। ये साधन परमात्मा के ने इसलिए बनाए हैं जीवन चलता रहे, लेकिन जीवन को साधनों के भरोसे मत छोड़ो। जब हम इन साधनों के अधीन हो जाते हैं तो हमारा जीवन जीवन नहीं रहता, हमारा जीवन ही बदल जाता है, हमारा लक्ष्य ही बदल जाता है, हमारे पास कुछ नहीं रहता, बस संसार रह जाता है। लेकिन संसार का आप मरते टाइम क्या करोगे, कुछ संसारी आएंगे उठा करके आपको जला देंगे, क्या मिलेगा आपको आप देखते रहोगे। जब ये आत्मा शरीर जलता है तो जो एनर्जी शरीर के अंदर बची हुई है, जो आत्मा का कुछ शरीर का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, कुछ प्राण बचे हुए हैं, इस शरीर के अंदर 10 प्राण होते हैं, 5 प्राण 5 पान तो ये होते हैं, ये एक एक करके टाइम के अनुसार निकलते हैं। ये नहीं है कि एकदम से प्राण निकल, सांस निकल गए, सब प्राण समाप्त हो गए, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम बाद दूसरा प्राण छूटेगा, कुछ टाइम बाद तीसरा छूटेगा, कुछ टाइम बाद चौथा छूटेगा, समय समय अनुसार प्राण छूटते रहते हैं। जब ये प्राण सारे नहीं निकलते, उससे पहले उठा करके अगर एक प्राण भी निकल गया, श्वास छूट गया, हमारी नज़र में तो वो जीव मर गया। दूसरा प्राण निकलो ना निकलो, डॉक्टरों के पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, कोई ऐसी मशीन नहीं है जो चेक कर सके, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ देशों के पास ये चीज़ साबित हो चुकी है कि एक प्राण निकलने से शरीर मृत नहीं होता, उसके अंदर एनर्जी जागृत रहती है। कोई चीज़ ऐसी है जो दो और भी प्राण, कुछ और भी अंग चलते रहते हैं, ये क्या कारण है कि कुछ देर बाद अगर दिल भी चालू रहता है, किडनी और देर तक जीवित रहती है, अलग अलग शरीर के हिस्से हैं, आँख अलग टाइम तक जीवित रहती हैं, तो क्या कारण है ये? ये शरीर एक साथ प्राण निकला, सब शरीर के संग अंगों ने एक साथ काम क्यों नहीं छोड़ा? ये प्राणों के अधीन तत्व हैं, और अलग अलग प्राण का अलग अलग टाइम के ऊपर छुटकारा होता है। जब आप देखोगे कि एकदम से जलाया दिया शरीर और एकदम से प्राण निकल गए, जो प्राण निकलता है वो देखता रहता है कि ये मेरा ही शरीर है, वो अनुभव करता रहता है कि ये मुझे जला रहे हैं, ये मेरे रिश्तेदार, सब देखता रहता है, लेकिन कर कुछ नहीं पाता, हाथ में कुछ नहीं होता, हाथ से तो छूट चुका होता है। अगर भजन संग्रह किया, अपने प्राणों को समेटे, सुरती को चढ़ाए और वहाँ जा कर के निराकार में आगे बढ़ जाए, कोई नहीं रोक सकता उस जीव को चढ़ाई से, कि चाहे कोई भी उत्तरायण के देवता हों, चाहे दक्षिणायन के देवता, बीच में नहीं आते, झट से ऊपर से उतर करके आता है और वो उस आत्मा की चढ़ाई शुरू हो जाती है और वहाँ जाकर स्थित हो जाता है। वो तो मात्र ये समझो कि ये शरीर का पर्दा जो बीच में खड़ा है यही बाधक है। जब ये शरीर समाप्त हो जाता है, आत्मा तो वहीं स्थित है, उसको न आना होता है न जाना, चढ़ाई तो हो चुकी होती है, सुरती शब्द में मिल करके बात आगे जा चुकी होती है, साधना निराकार तक पहुँच जाती है, पूर्ण तत्व परमेश्वर तक पहुँच हो जाती है, बस ये पर्दा गिरा और वहीं पहुँच गए। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि हमें वहाँ जाना है, तभी तो चलना शुरू होगा। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों के अंदर फंसे रहेंगे, इसी भ्रम में फंसे रहेंगे, कैसे वहाँ की साधना होगी, कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हो, कैसे वहाँ तक चढ़ाई होगी, किस उम्मीद से आप भक्ति करते हो, कौन सी भक्ति करते हो, किसकी भक्ति करते हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये होती हैं। कुछ दिन पहले ये घटनाएं होती रहती हैं, मैं जो
बोलता हूँ ऊपर वाला परमेश्वर वो सुनता रहता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्थितियाँ होती हैं। जब स्थितियाँ ऊंची स्थिति में स्थित होती हैं तो आप जो बोलोगे अगर वो कुछ भी जवाब नहीं देगा, केवल सुनने मात्र से भी आपके समाधान होते चले जाएंगे, क्योंकि वो सुनने वाला वो तत्व नहीं जो आप सोच रहे, सुनने वाला वो शरीर नहीं रहा जो आपको दिखाई दे रहा है, सुनने वाली केवल वो आत्मा नहीं है जो शरीर को चला रही है, सुनने वाला उसके अंदर आ जाता है और अलग ही खेल शुरू हो जाता है। सुनने वाला उसके अंदर आ जाने का अर्थ ये नहीं कि किसी देवता का प्रवेश हो जाता है, कोई देवी आ जाती है वो गर्दन हिलाने लगते हैं, ये नहीं है। सुनने वाले आने का अर्थ ये है कि उसकी जो सुरती है वो शब्द में समा जाती है और वहाँ परमात्मा तक वो पहुँच जाता है, और जो छठी अवस्था है उसको भी पार कर जाता है। ये तो पांच अवस्थाएं हैं, छठी अवस्था से भी पार की जगह है। जब आप कोई भी बात बोलोगे छोटी मोटी ये चीज़ें अपने आप होने लगती हैं, घटनाएं बिना किए ही हो जाती हैं, काम बिना किए ही हो जाते हैं, देखने मात्र से शक्तिपात हो जाता है, तेज का इतना प्रभाव होता है बहुत दूर तक नाम चला जाता है। छोटी छोटी चीज़ें समझ नहीं आती कैसे होती हैं क्या होता है, लेकिन बड़े बड़े तंत्र से लेकर के मंत्र का प्रयोग करने वाले भी उसके ऊपर प्रयोग करते रहते लेकिन उसका कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि वो शब्द से ऊपर उठ चुका होता है। जो शब्द से ऊपर उठ गया उसके ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं होगा ना। जब सूरत शब्द सूरत के अंदर समा जाएगा और शब्द और सूरत एक हो जाएंगी तो आप भूल जाओ आपके ऊपर कोई प्रभाव कर सकता है, अरे ये तो बहुत ऊंची स्थिति हो जाएगी। जब आप नाम का जपा शुरू होगा, जब श्वासों के साथ जाप शुरू हो जाएगा, कोई मजाल है किसी की आपके ऊपर कोई काला जादू का प्रभाव कर सकता है, आपके ऊपर तंत्र का प्रभाव कर सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा इतनी मजबूत हो जाएगी दूसरे के लिए कोई जगह नहीं होगी। जब भी आपके ऊपर कोई प्रयास करेगा वापस उसी के घर जा कर के गिरेगा, उसी के ऊपर प्रभाव होगा। लेकिन ये एक अलग कला है, ये एक अलग विद्या है, ये एक अलग चढ़ाई है। जब आप इस चढ़ाई में शुरू होंगे आपको आनंद आने लगेगा, आप इसमें खोने लगोगे, आप इसमें समाने लगोगे। जब आप इसके एक एक शब्द को महसूस करोगे तभी आनंद का पता चलेगा, बिना मिठाई खाए मिठाई का नहीं पता चलेगा, बिना चीनी खाए चीनी का पता नहीं चलेगा, बिना नमक खाए नमक का पता नहीं चलेगा। तो आपको संसार का तो सब पता ही है, कितना आनंद है, कितना क्या है संसार में, क्या नहीं है। आपने भोग भोग करके देख लिया संसार को, तो अब थोड़ा अध्यात्म की ओर चल के भी देख लीजिए, अब थोड़ा ध्यान करके भी देख लीजिए, अब थोड़ा परमात्मा की ओर चल के भी देख लीजिए, अब थोड़ा सुमरण करके भी देख लीजिए। जब आप इन चीज़ों को देखेंगे, जब आप इनके ऊपर नज़र दौड़ा करके देखेंगे, आपको एक एक चीज़ का एहसास हो जाएगा और आपका समर्पण भी होना शुरू हो जाएगा। समर्पण केवल देह मात्र का नहीं होता, समर्पण मन का होता है। जब मन का समर्पण हो जाता है देह का अस्तित्व और महत्व ही नहीं रहता। देह का क्या महत्व है, कुछ भी नहीं है, ये तो बना है बिगड़ जाएगा। हमने इसी शरीर से इसी ज़मीन से इन्हीं पांच महाभूतों से मिट्टी उठाई और इन्हीं में समाप्त हो जाएगी, लेकिन हम इन्हीं पांच महाभूतों की पूजा पाठ के पीछे लगे रहते हैं कि यही सब कुछ है, इन्हीं से सब कुछ होगा। लेकिन जब आप समझेंगे तब आपको एहसास होगा आपने कितना समय व्यर्थ खो दिया और कितना सब कुछ गवा दिया। कैसे एहसास होगा जब आपको जागते ही नहीं, जब आपके मन में प्रश्न ही नहीं उठते, जब आपके मन में विचार ही नहीं उठते। मैं सोचता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, कुछ लोगों के मन में तो विवाह के ही सवाल उठते रहते हैं, कुछ लोगों के मन में अजीब तरह के सवाल उठते रहते हैं, कुछ लोगों के मन में वासनाओं के सवाल उठते रहते हैं, कुछ लोगों के मन में संसार के सवाल उठते रहते हैं, अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ लोगों के मन में तुलनाएं चलती रहती हैं, कुछ लोगों के मन में चलता रहता है अरे बहुत सिद्धियाँ होंगी इनके पास,
अरे सिद्धियां तो बाहर बैठी रहती हैं द्वार के ऊपर, कोई अंदर भी नहीं आने देता। सिद्धियों का क्या है, सिद्धियां कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिद्धियों को तो घुसने भी नहीं दे, ऐसी ताकत होती है परमात्मा की। सिद्धियां तो इंतज़ार करती रहती हैं कोई आदेश दे हम कार्य करें। जब आप वहाँ तक पहुँचोगे तब आपको पता चलेगा। अब तो मेरी ये सब की सब बातें आपको अजीब तरह की लगती होंगी, क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये वे तो बोलने की बातें होंगी। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचोगे आपको एक एक शब्द सच दिखाई देने लगेगा, आपको अनुभव होने लगेगा। और जब तक आप इस अनुभव का लाभ नहीं उठाओगे आपके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं होगी, और जब तक उसकी कृपा नहीं होगी आप उस रास्ते को भूल जाओ कि वहाँ चढ़ाई हो सकती है। तो आप सुमरण करो, ध्यान करो, उसके नाम के ऊपर आगे बढ़ने का प्रयास करो, और जो एक एक रोम जब जागृत होगा आपको सब एहसास हो जाएगा। बिना चढ़ाई के, बिना ध्यान के कम से कम पहली अवस्था से ही शुरू करो। ये जरूरी नहीं कि आप पांचवी से शुरू करो, चौथी से शुरू करो, या पार ब्रह्म की बात करो, या शब्द से परे की बात करो, नहीं, ये बहुत दूर की बातें हैं। आप पहली से तो शुरू करो, जपना तो शुरू करो, नाम से तो शुरू करो, क्योंकि नाम का बीज पड़ गया तो चढ़ाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि बहुत जन्मों से चढ़ाई आपकी चल ही रही है, उठा पटक चल रही है, फिर उठते हो फिर गिर जाते हो, फिर उठते हो फिर गिर जाते हो। अगर एक बार उसे पार हो गए, एक बार शब्द और सूती से ऊपर उठ गए, अगर उस अवस्था से आगे कदम बढ़ गया फिर वापस नहीं आओगे, फिर तो समय ही बदल जाएगा, फिर आपको ये शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं पशु बनाए जाओगे, कहीं पखेरु बनाए जाओगे। लेकिन आप ध्यान नहीं करते, केवल तर्कों में फंसे रहते हैं। तर्क क्या है, तर्क ज्ञान के बिना अकेली भक्ति कोई काम की नहीं होती। अकेली भक्ति कैसी होती है, जैसी आप लोग कर रहे हो। अगर ज्ञान होगा तभी एहसास होगा कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन कोरे ज्ञान से भी कुछ नहीं हो सकता। दोनों का जब तालमेल होगा तब शुरुआत होगा, तब रास्ता खुलेगा, तब रास्ता नज़र आएगा। जब रास्ता एक पटरी से के ऊपर से, क्या आप रेल चला सकते हो, नहीं चला सकते। क्या एक पहिए के ऊपर गाड़ी चला सकते हो, नहीं चला सकते। क्या एक पंख से पक्षी उड़ सकता है, नहीं उड़ सकता। क्या एक पैर से जानवर चल सकते, नहीं चल सकते। तो उसी प्रकार से ज्ञान और भक्ति दोनों एक साथ चलने लगेंगे, एक साथ ही इनका तालमेल बनेगा। जब आप समझ के साथ भक्ति पैदा होने लगेगी तो आपको मार्ग अपने आप दिखाई देने लगेगा। अगर आपके पास केवल समझ है तो भी आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। आप केवल भक्ति का प्रयास कर रहे हैं आँख बंद करके, कि कहीं भी भरोसा किया, किसी का भी नाम लेना शुरू कर दिया, वो भी भक्ति नहीं है, वो भी मार्ग नहीं है, वो भी रास्ता नहीं है। सब चीज़ों का तालमेल जरूरी है। तो इस तालमेल के लिए आपको ध्यान की आवश्यकता होगी, आपको नाम की आवश्यकता होगी। तो आप शुरुआत कीजिए, ध्यान कीजिए, और प्रथम अवस्था से ही शुरू कीजिए। जब आप शुरू करेंगे आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। कम से कम वहाँ तो पहुँचो जहाँ आपका जहाज खड़ा है, जहाँ आपका जहाज इंतज़ार कर रहा है। जब आप वहाँ तक पहुँच जाओगे तो आगे ले जाना फिर उसकी जिम्मेवारी है। बस आप ये देखो कि अगर एक बार ट्रेन में बैठ गए, जहाज में बैठ गए, फिर आपको हिलना नहीं होता। हाथ पैर अगर आप रेल में चढ़ गए, दौड़ते रहो, कहीं रेल से पहले नहीं जा पाओगे आप। अगर आप विमान में बैठ गए, आकाश में उड़ रहे हैं, चाहे आकाश में विमान के अंदर 100 चक्कर लगा दो, ये तो नहीं है कि आप और सवारियां जो बैठी हुई है उससे पहले पहुंच जाओ, या एयरपोर्ट के ऊपर कूद करके पहुंच जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वहां पहुंचना तो ज़रूरी है, उसके अंदर बैठना तो ज़रूरी है, अपनी सीट पक्की तो करनी ज़रूरी होती है। जब तक हमारी सीट पक्की नहीं होगी हमें उसमें कोई नहीं बैठने देगा। तो आप तैयारी कीजिए कि आपको किस प्रकार से वो मिले, कैसे उसका रास्ता मिले, कैसे वहाँ तक पहुँचें, कैसे उसमें बैठा जाए। तो आप खोज कीजिए, सुमरण कीजिए।